अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं अपनी फर्स्ट वीडियो में जिस चीज़ का रिव्यू करने जा रही हूँ वो है मेबेलिन सुपर स्टे मैट इंक लिक्विड लिपस्टिक्स। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है, और आज मैं जिन कलर्स का रिव्यू करने जा रही हूँ वो फोर कलर्स हैं, जिसमें से ये फर्स्ट है सुपर स्टे 130 सेल्फ स्टार्टर, सेकेंड है लवर 15 लवर, एंड थर्ड कलर है 20 पायोनीर, एंड फोर्थ कलर है रूलर 80 रूलर। सबसे पहले हम इनके आउटर टेक्सचर की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक रेक्टेंगुलर शेप में है, जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा ये चारों साइड से रेक्टेंगुलर शेप में है। और इनका बहुत ही अच्छा ये पॉकेट साइज है कि आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं, बहुत इजीली कैरी कर सकते हैं इसको, कोई इसका मसला नहीं। और इनमें कोई लीकेज नहीं होती। बहुत सारी लिपस्टिक्स के साथ ऐसा होता है कि वो लीक कर जाती हैं, कभी कहाँ लग जाते हैं, आपके बैग्स ख़राब हो जाते हैं, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा कोई मसला नहीं। ये बहुत अच्छी फिजिबल है, आप इनको कहीं भी कैरी कर सकते हैं। और अब हम इसकी रेंज की बात कर लेते हैं। मैं आपको ये फोर कलर्स का रिव्यू दे रही हूँ, बट इसकी रेंज बहुत वास्ट है। और ये जो ओरिजिनल मेबेलिन का न्यूयॉर्क, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मेबेलिन का न्यूयॉर्क में है मेन सेंटर, तो वहाँ पर तो बहुत सारे कलर्स यूज होते हैं। जैसे वहाँ तो ब्लू कलर, येलो कलर, वो भी नॉर्मल है। तो टोटल जो पूरी दुनिया में उन्होंने कलर्स किए हुए हैं वो है 36 शेड्स हैं इनके। बट पाकिस्तान में एज सच इतने, क्योंकि ब्लू येलो ऑरेंज इस तरह के कलर्स इतने नॉर्मली नहीं यूज होते, तो पाकिस्तान में वो इतने रेडिली अवेलेबल नहीं होते। और इसी तरह के कलर्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि ये मरून शेड है, काइंड ऑफ मरून है, दिस इज काइंड ऑफ रेड एंड पिंक, एंड दिस इज पीचिश एंड लाइट ब्राउनिश। तो अब हम इसका टेक्सचर चेक कर लेते हैं। ये मैं आपको पहले दिखाती हूँ। सबसे पहले सेल्फ स्टार्टर, ये 130 सेल्फ स्टार्टर है। आप इसका टेक्सचर चेक करें, ये बहुत ही इसका स्मूथ टेक्सचर है और ये मैट है। और ये आप सोच भी नहीं सकते कितना ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। ये 48 आवर्स तक ये ऐसे ही चलता है। आप अगर इसको जितनी देर कैरी करना चाहें कैरी कर सकते हैं, आपको कोई मसला नहीं होगा कि इसको बार बार टचअप करने का, या किसी फंक्शंस पे इवेंट्स पे जाते हैं तो इसका कोई मसला नहीं होता टचअप करने का। ये देखें ये कितना ज़्यादा इसका अच्छा टेक्सचर है, स्मूथ टेक्सचर है, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता, बिल्कुल इसको कोई आपको दोबारा टचअप करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि वेडिंग्स इवेंट्स होते हैं जहाँ आपको बहुत बहुत देर के लिए आपको लगानी पड़ती हैं, वहाँ पर इनका कोई मसला नहीं होता कि इनको एक ही दफ़ा लगाएं। ये इवन के टू टू डेज तक लॉन्ग लास्ट कर जाते हैं, और इसको आपको कोई टचअप की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको नेक्स्ट कलर दिखा रही हूँ, 15 लवर। ये आप देखें इसका टेक्सचर, देखें इसका कलर, देखें पिंकिश सा शेड है, बहुत ही प्यारा है। ये तो मेरा पर्सनल फेवरेट कलर है बहुत ज़्यादा, और ये नॉर्मली कहीं भी आप वेयर कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। कि कुछ कलर्स ऐसे होते हैं कि आप कहें कि नहीं, हम बस कुछ स्पेसिफिक जगहों पर इवेंट्स पर कर सकते हैं, उनका भी कोई मसला नहीं है, ये जहाँ मर्जी किए जाते हैं। ये रेड बोल्ड कलर है, और इसका शेड मैं आपको बता दूंगी, 20 पायोनीर शेड है। ये देखें इसका टेक्सचर, ये इतना प्यारा रेड कलर है, आप इसको लगाएं। मैं तो आपको पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैं ये लगा लेती हूँ तो इवन के टू डेज तक भी ये इसको उतारा नहीं जाता, और इवन मुझे लिप बाम यूज़ करना पड़ता है इनको उतारने के लिए। वरना अगर आप इसको जितना मर्जी कर लें ये नहीं होता था। आप खाएं पिएं जो मर्जी करना, आपकी लिपस्टिक्स ख़राब नहीं होती। और ये नेक्स्ट कलर है 80 रूलर। अब ये देखें ये ब्राउनिश पिंकिश सब मिक्स शेड है, बहुत प्यारे हैं। ये चार कलर्स मेरे पर्सनल फेवरेट कलर्स हैं, और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। मेरे ये बस बकेट लिस्ट पे होते हैं, मैं हमेशा इनको बस गो टू कलर्स हैं, ये मैं लाजमी अपने पास रखती हूँ। और अब हम इनकी प्राइस की बात कर लेते हैं।
इनकी प्राइस अभी क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्राइसेस हर चीज़ की बढ़ गई हैं, तो अब इनकी प्राइस 2200 हो गई है, 2200 इनकी प्राइस हो गई हुई है। और लेकिन बहुत सारी जगहों पे ये फेक मिल रही हैं। अगर आपको ओरिजिनल लेनी है तो आप या तो अलफतेह से लें, अलफतेह पे ओरिजिनल प्रोडक्ट्स होती हैं, या आपको वहाँ 2200 की मिल जाएगी। लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा ऑनलाइन स्टोर्स भी हैं, जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो ये आपको आप सेल कर रही हैं, उन पे काफ़ी डिस्काउंट्स वगैरह लग जाते हैं, लेकिन वो भी काफ़ी ज़्यादा फेक होती हैं। लेकिन आपको मैं बताती चलूँ, मैंने जहाँ से जो मंगवाई है, मैंने ये दो जो मंगवाई थी backgallery.com से, ये वेबसाइट है, वहाँ से मैंने ये मंगवाई थी, और ये मैंने दराज से मंगवाई थी। दराज का जो ओरिजिनल मॉल है वहाँ से मंगवाइएगा, वहाँ से ओरिजिनल चीज़ें आती हैं, बाकी उनके काफ़ी फेक भी हो जाती हैं। ये चार कलर्स बहुत प्यारे कलर्स हैं और इनकी प्राइस 2200 है, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन जो वेबसाइट्स वगैरह हैं उन पर कोई डिस्काउंट्स वगैरह लगती रहती हैं। मैंने भी ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने ये 2200 की नहीं मंगवाई, मैंने डिस्काउंट्स में मंगवाई हैं। कुछ मुझे 1700 की कभी मिल गई, कभी 1800 की मिल गई। और इसकी अवेलेबिलिटी जो है, ये मैंने आपको जैसे बताया कि आप ऑनलाइन इतना अगर आपने किसी जगह से पहले की भी है शॉपिंग, आपको पता है कि वहाँ से ओरिजिनल, तो ही मंगवाइएगा, और वरना वैसे ना मंगवाइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये फेक भी सेल करें। और अगर हम देख लेंगे कितनी देर चलती है, तो ये ऑनेस्टली क्योंकि मैंने आपको बताया है कि बहुत देर इसको बार बार टचअप करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये अगर आप डेली बेसिस पे भी यूज़ करती हैं एक लिपस्टिक, तो ये आपकी एटलीस्ट 6 मंथ्स चल जाएगी। तो इट इज़ वेरी रिलायबल, तो आपको इसको दोबारा यूज़ करने की, बार बार ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई थिंक सो कि ये रिकमेंडेड है, इसको रिकमेंड मैं करती हूँ, क्योंकि अगर आप 2200 अगर लगा भी लेते हैं 6 मंथ्स में, तो ये बहुत अच्छी है, कोई इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है, और वैसे भी ऑनलाइन स्टोर्स पे तो बहुत कम प्राइसेस की भी मिल जाती हैं। और इसके आपके कलर्स मैंने आपको वैसे ही बता दिया है कि 36 शेड्स होते हैं, और ये बहुत स्मूथ मैट इसका टेक्स्चर है, इतना प्यारा टेक्स्चर है। आप ये देखेंगे कितने प्यारे कलर्स हैं, कि इनको और कुछ भी नहीं होता, ये देख लें, अभी भी ये कुछ भी नहीं हो रहा इनको, चाहे जितना मर्जी इनको करते हैं। और इसका मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि जब आप एक दफ़ा लगा लें, तो एक दफ़ा किसी पफ से उसको हल्का सा ब्रश कर लें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा एक मैट सी भी और ग्लॉसी सी भी एक मिक्स है इसकी लुक है, जो कि बहुत प्यारी लुक है, और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती। और ये इसका लाइट पीचेस सा शेड है, ये पिंक सा शेड है, ये रेड है, और ये मरूनिश सा है। और ये बहुत इजी नॉर्मल वेयर के लिए भी, आप नॉर्मली भी कहीं भी वेयर कर सकते हैं, ये आपको कोई नहीं है स्पेसिफिक, ये कुछ होती हैं लिपस्टिक बहुत डार्क होती हैं, आप कहेंगे नहीं सिर्फ इवेंट्स पे, फंक्शंस पे, पार्टीज पे लगा सकते हैं, नॉर्मल डेली वेयर के लिए बाहर जाना हो, आपने कहीं भी शॉपिंग मार्केट्स जाना हो, ये आप लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा बोल्ड नहीं लगती हैं, ये बहुत ईजी हैं नॉर्मली भी, इवन के अगर आप जल्दी में और आपने मेकअप ना किया और सिर्फ एक लिपस्टिक ही लगा लें, तो एक लुक चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छी लगती हैं, ये आप लगा लें। और पर्सनली ये दो कलर्स तो बहुत ही मेरे फेवरेट हैं, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगी कि आप ये ज़रूर बाय करें। मैं एक बार फिर बताती चलूँ, ये जो ब्राउनर सा पीचेस सा शेड है, ये 130 सेल्फ स्टार्टर है, ये देख लें आप, और ये जो पिंक सा शेड है, ये 15 लवर शेड है, और ये रेड सा जो शेड है, ये 20 पायनियर है। एंड ये जो कलर है, ये ब्राउनिश रेडिश मिक्स सा कलर है, ये है 80 रूलर। होपफुली आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और काइंडली कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आप किसी चीज़ का रिव्यू देखना चाहते हैं, या आपको किसी चीज़ के बारे में पूछना है, फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, काइंडली लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।